नमस्कार बच्चों मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा दसबी के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ आप लोग का जो अध्याय आठ है त्रिकोण मिति का परिचय ठीक है।, है आज से हम इस चैप्टर को हम तैयार करना शुरू कर रहे हैं और गणित में अब हमारा सबसे पहले आला अध्याय ही चलेगा और जब तक ये अध्याय खत्म नहीं होगा हम दूसरे अध्याय पर कदम नहीं रखेंगे तो इस वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस में आपके ब्लू प्रिंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस अध्याय से आपके छे विकल्प आएंगे इस अध्याय से आपके छे विकल्प आएंगे और एक प्रश्न आएगा आपका जो कि आपका दो अंक का रहेगा लेकिन ये जो ब्लू प्रिंट है ये वार्षिक परीक्षा का है वार्षिक परीक्षा में छह विकल्प आएंगे और एक प्रश्न दो अंक का आएगा लेकिन छे मई परीक्षा में जरूरी नहीं कि इससे एक ही प्रश्न आए छीक्षा में से तीन से चार प्रश्न भी पूछ सकता है है हाँ ना प्री बोर्ड परीक्षा में भी ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं कम ज़्यादा प्रश्न हो सकते हैं लेकिन वार्षिक परीक्षा का ब्लू प्रिंट है कि इससे छह विकल्प आएंगे और एक प्रश्न दो अंक का आएगा तो हम इस आज से हम गणित में एम बोर्ड के बच्चों के लिए हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव इससे आपके पूछे जाते हैं वो अक्सर आपके सूत्र से आते हैं जो आपके सूत्र होते हैं सूत्र से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं सूत्र से ही आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं सूत्र से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं ठीक है तो इस अध्याय को हम बिल्कुल बारीकी से हम पढ़ना शुरू करेंगे ये आपका पहला वीडियो है चलिए तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम <coughs> आपका जो अध्याय आठ है आप देख सकते हो त्रिकोण मिति इस त्रिकोण मिति में हम सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ सूत्र देखेंगे त्रिकोण मिति अनुपात के सूत्र हम क्या देखेंगे यहाँ पर त्रिकोण मिति अनुपात के सूत्र सबसे पहले हम इसको देखेंगे ना तो चलिए इसके लिए मैं आपको अपनी कॉपी पर ले चलता हूँ हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे त्रिकोण मिति अनुपात के सूत्र तो चलिए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं आज हम पढ़ेंगे त्रिकोण अनुपात के कुछ सूत्रों ये मैंने यहां पर अपनी कॉपी खोल चुका हूं त्रिकोण अनुपात जो होता है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होता है जैसे कि यहां पर यह या एक प्रकार का आपका समकोण त्रिभुज है ए बी सी ये आपका समकोण त्रिभुज में इसमें जो कोण बी है कोण बी आपका नब्बे अंश का है ये हो गया आपका ए बी सी हो गया आपका समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज में समकोण के जो सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं समकोण के सामने की भुजा आपकी कर्ण कहलाती है यह हो गया ए बी सी हो गया आपका समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा आपकी कर्ण कहलाती है ठीक है त्रिकोण मित्र अनुपात छह प्रकार के होते हैं तो हम कोण ए का त्रिकोण अनुपात ज्ञात करेंगे इस सबसे पहले यहाँ पर हम कोण ए का त्रिकोण अनुपात ज्ञात करेंगे उसके बाद फिर हम कोण सी का ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम कोण ए का त्रिकोण अनुपात ज्ञात करेंगे है ना तो देखिए कोण ए कोण ए के त्रिकोण अनुपात कोण ए के त्रिकोण मित्तीय अनुपात निकालेंगे हम सबसे पहले हम कोण ए के त्रिकोण मित्र अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले हम कोण ए का साइन निकालेंगे तो कोण ए का साइन उसको हम बोलेंगे साइन साइन को बोलेंगे हम कोण ए का का साइन और साइन बराबर क्या होता है? साइन का एक होता है है एक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा साइन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण साइन का सूत्र क्या होता है साइन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण साइन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण याद कर लीजिए साइन का सूत्र क्या होता है सम्मुख भुजा बटी कर्ण हम किसका साइन निकाल रहे हैं हम कोण ए का साइन निकाल रहे हैं कोणे का साइन निकाल रहे हैं तो सूत्र में हो आएगा आपका कोण ए की सम्मुख भुजा कोणे की सम्मुख भुजा कोणे की सम्मुख भुजा बटा हो जाएगा आपका कर्ण हम कोणे का साइन निकाल रहे हैं तो कोणे का साइन हो जाएगा कोणे की सम्मुख भुजा बटे कर्ण साइन ए का हो गया आपका साइन ए बराबर कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली भुजा तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है कोण ए की सम्मुख भुजा कोण ए के सामने वाली भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा कोण ए के सामने वाली भुजा आपकी बीसी है कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है आपकी बी सी है तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी आपकी कोण ए की सम्मुख भुजा आपकी बी हो जाएगी और बटे का हो गया बटे कर्ण का मान कितना दिया है कर्ण कर्ण कर्ण, कर्ण किसको बोलेंगे समकोण के सामने गुजरा कर्ण कहलाती है जो तिरछी भुजा होती है कर्ण का मान यहाँ पर आपका ए सी है तो कर्ण हो जाएगा आपका क्या ए सी कर्ण का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम ए सी रख देंगे तो आपको साइन का सूत्र सिर्फ याद रखना है साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण साइन बराबर क्या होता है याद कर लो मेरे साथ याद करो साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण मेरे साथ में याद करो साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण कोण एक का साइन निकाल रहे है तो कोण एक ही सम्मुख भुजा बटे कर्ण <kiser Zum voi> ठीक है अगला होता है कोस अगला आपका त्रिकोण मित्र अनुपात होता है कोस किसका कोस कोण ए का कोस अगला होता है कोस किसका कोस कोण ए का कोस किसका कोस? कोण ए का कोस, अगर हम कोण ए का कोस निकाल रहे हैं तो कोण ए का कोस क्या होता है कोस बरा कोस क्या होता है कोण ए का कोस क्या होता है कोस होता है आपकी संलग्न बटे कर्ण कोस का सूत्र क्या होता है संलग्न बटे कर्ण किसका कोस कोण ए का कोष तो कोण ए का हम कोस निकाल रहे हैं तो यहां पर आएगा आपका कोण ए की संलग्न भुजा कोण ए की संलग्न भुजा कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण हम कोण ए का कोस निकाल रहे हैं तो होगा कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण कोशे का हो गया आपका कोस ए तो कोण ए की संलग्न भुजा क्या है कोण ए की संलग्न भुजा क्या है संलग्न का मतलब होता है लगी हुई तो कोण ए से लगी हुई भुजा कोण ए की ये कोण ए की संलग्न भुजा आपकी ये वाली है कोण ए से लगी हुई भुजा कोण ए की संलग्न भुजा कोण ए की संलग्न भुजा आपकी क्या है ए बी है कोण ए की संलग्न भुजा क्या है आपकी ए बी है तो कोण ए की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी आपकी? आपकी आप देख सकते हो कोण ए की संलग्न भुजा आपकी ए बी हो जाएगी क्या हो जाएगी ए बी बटे का हो गया बटे और कर्ण का मान कितना दिया है कर्ण 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 का मान कमान हाँ पर आपका ए सी दिया गया है कर्ण का मान कितना दिया है आपका ए सी दिया है तो कर्ण का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम कर्ण का मान रख देंगे यहाँ पर हम ए सी मान कामान कितना रख दिए ए सी रख दिए आपको कोस का सूत्र सिर्फ इत्याद रखना है कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण ठीक है अगला आपका सूत्र होता है टेन अगला आपका सूत्र होता है टेन किसका टेन हम निकालेंगे कोण ए का टेन हम किसका टेन निकालेंगे कोण ए का टेन तो टेन का आपका सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा टेन बराबर क्या होता है याद कर लो सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा कोण ए का टेन निकाल रहे हैं तो सूत्र में आएगा आपका कोण ए की सम्मुख भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा बटे में हम लिखेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा को बटे में हम लिखेंगे कोण ए की संलग्न भुजा कोण ए की संलग्न भुजा इस प्रकार टेन निकाला जाता है कोण ए का हम टेन निकाल रहा है तो कोण ए का टेन क्या हो जाएगा टेन बराबर हो जाएगा कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा टेन ए का हो जाएगा आपका टेन ए बराबर का बराबर कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है कोण ए की सम्मुख भुजा कोण ए की सामने वाली भुजा आपकी बी है तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है आपकी कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है आपकी बी है बटे का हो गया बटे कोण ए की संलग्न भुजा क्या है तो आप देख सकते हो कोण ए की संलग्न भुजा कोण ए की संलग्न भुजा कोण ए से लगी हुई भुजा आपकी क्या है ए बी है क्या है आपकी भुजा ए बी है तो कोण ए की संलग्न भुजा क्या है कोण ए की संलग्न भुजा आपकी ए बी है क्या है आपकी ए बी है तो ए भी आपकी कोणे की संलग्न भुजा है तो हमने अभी तक यहाँ पर तीन त्रिकोण मित्र अनुपात के सूत्र देख चुके हैं पहला सूत्र है हमारा साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण इसके बाद कोश बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण कोश बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण और टेन बराबर क्या होता है टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा ठीक है इसके बाद आपका अगला सवाल क्या है आप देख सकते अब देखिए ये तीन सूत्र हो गए अब आगे के जो तीन सूत्र होते हैं उसको समझने के लिए आपको यहां पर कुछ और सूत्र देखना पड़ेगा तो देखिए साइन ए अगर बराबर होता है एक बटे कोशिक ए अगर कोई किसी के बटे में लिखी है तो हम उसको बोलते हैं व्युत्क्रम बोलते हैं फिर उसको उल्टा बोलते हैं तो कोशिक का उल्टा साइन होता है कोशिक का व्युतक्रम अगर कोई चीज़ अगर एक के बटे में है अगर कोई चीज अगर एक के बटे में तो उसको हम व्युतक्रम बोलते हैं है कोशिक का व्युत्क्रम होता है साइन कोशिक का व्युत्क्रम होता है साइन याद कर लो कोशिक का उल्टा होता है साइन कोशिक का उल्टा होता है साइन कोशिक का व्युत्क्रम होता है साइन रटा रट्टा मान लो कोशिक का व्युत्क्रम होता है साइन कोशिक का उल्टा होता है साइन क्या बोला मैंने कौशिक का उल्टा क्या होता है साइन होता है कौशिक का वितक्रम क्या होता है साइन होता है तो साइन का वितक्रम क्या तो हो जाएगा एक बटे साइन तो साइन का क्या हो जाएगा तो साइन का वितक्रम हो जाएगा आपका कौशिक कोशिक ए फिर से कोशिक का उल्टा साइन कौशिक का वितक्रम साइन कौशिक का वितक्रम साइन तो साइन का वितक्रम कौशिक तो साइन का क्या हो जाएगा आपका कौशिक याद कर लो कोसिक का व्युतक्रम साइन एक बटे कोशिक को हम लिख सकते हैं साइन तो एक बटे साइन को हम लिख देंगे कोसिक ठीक है अगला सूत्र आप याद करोगे कोश ए बराबर होता है एक बटे से के सेक का व्युतक्रम होता है कोस सेक का व्युतक्रम होता है कोस सेक का व्युतक्रम होता है कोस ठीक है सेक का उल्टा होता है कोस याद कर लो शेख का उल्टा होता है कोस तो कोस का उल्टा क्या होगा एक बटे कोस है तो कोस का उल्टा कोस का विक्रम क्या हो जाएगा आपका सेक हो जाएगा कोस का विक्रम हो जाएगा आपका सेक का उल्टा कोस, सेक का वितक्रम कोस। तो कोस का व्यक्रम हो तो जाएगा सेक तो कोस का विक्रम हो जाएगा सेक कोस का उल्टा हो जाएगा आपका सेक ठीक है इसके बाद आप यहां पर देखोगे कोट का व्युत्क्रम होता है टेन एक बटे कोट ए कोट का व्युत्क्रम क्या होता है कोट का व्युत्क्रम होता है आपका टेन कोट का उल्टा होता है टेन कोट का व्युत्क्रम होता है टेन तो टेन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा टेन का व्युत्क्रम मतलब एक बटे टेन टेन का व्युत्क्रम या टेन का उल्टा हो जाएगा आपका क्या कोट टेन का उल्टा हो जाएगा आपका कोट कोट का विक्रम होता है टेन कोट का विक्रम होता है टेन तो टेन का विक्रम हो जाएगा कोट टेन का वितक्रम क्या हो जाएगा आपका कोट हो जाएगा ये सूत्र होते हैं आपके ठीक है फिर से देख लीजिए सूत्र को याद करना इसको आपको लिखना भी है ये सूत्र बनेंगे तो ही आपसे सवाल बनेंगे अगर आपसे सूत्र नहीं बनेंगे तो आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लो आपसे सवाल बिल्कुल नहीं बनने वाले कोसिक का उल्टा होता है साइन साइन का उल्टा होता है कोशिक सेक का उल्टा कोस कोस का उल्टा सेक ठीक है आप कर लीजिए इन सूत्र को कुछ सपने में भी उठा करके पूछे तो आपसे बनना चाहिए कोट का उल्टा होता है टेन और टेन का उल्टा होता है आपका कोट ठीक है यहां पर हमने कुछ सूत्र यहाँ पर हमने देख लिए अब हमारे थोड़े से सूत्र और बचे हैं तो उसको भी हम देख लेंगे देखो हमने साइन का मान निकाल चुके साइन बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण तो साइन का उल्टा क्या होता है साइन का उल्टा होता है कोसिक। मैंने अभी बताया आपको साइन का उल्टा क्या होता है साइन का उल्टा होता है कोसिक। तो हम निकालेंगे कोसिक का मान हम किस का मान निकाल लेंगे का मान हम निकालेंगे कोसिक का मान कोसिक बराबर क्या होगा कोसिक बराबर क्या होगा साइन बराबर क्या होता है साइन बराबर होता है सम्मुख बटे कर्ण साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण और साइन का उल्टा होता है कोशिक तो उसको उलट दो में कर्ण हो जाएगा ऊपर और सम्मुख भुजा जाएगी नीचे यदि साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण तो साइन का उल्टा होता है तो कौशिक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे सम्मुख भुजा तो कौशिक बराबर क्या हो जाएगा आपका कोशिक बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा सम्मुख भुजा किसकी सम्मुख भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा कोण एक सम्मुख भुजा कोसिक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे सम्मुख भुजा जाएगा आपका कोसिक ए कर्ण कर्ण का मान कितना है आप देख सकते हो चित्र में कर्ण का मान यहाँ पर आपका ए सी दिया गया है तो कर्ण का मान कितना रख देंगे हम कर्ण का मान रख देंगे यहां पर हम एसी बटे कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है कोण ए की सम्मुख भुजा तो कोण एक के सामने वाली भुजा को हम कोण एक की सम्मुख भुजा कहेंगे तो कोण एक की सम्मुख भुजा आपकी बीसी हो जाएगी क्या हो जाएगी आपकी बीसी हो जाएगी तो कोण एक की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी आपकी कोण एक की सम्मुख भुजा आपकी बीसी हो जाएगी तो निकल गया कोसी के कमान एसी बटे बीसी इसी प्रकार कोष बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण तो कोष का उल्टा होता है सेक कोष का उल्टा क्या होता है सेक होता है मैंने लिखवाना आपको अभी यहां पर कोष का उल्टा क्या होता है Dakar, कोस का उल्टा होता है सेक अब हम निकालेंगे सेक का मान किसका मान निकालेंगे हम सेक अगर कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण तो कोस का उल्टा है सेक तो सेक में पलट देंगे कर्ण चल जाएगा ऊपर संलग्न भुजा जाएगी नीचे यदि कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे संलग्न भुजा अगर कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण तो कोस का उल्टा होता है सेक अगर कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे संलग्न भुजा सेक बराबर क्या हो जाएगा आप देख सकते हो सेक 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 बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटे संलग्न भुजा किसकी संलग्न भुजा कोण ए की संलग्न भुजा कोण ए की संलग्न भुजा कोण ए की संलग्न भुजा इसके बाद सेक एक हो जाएगा आपका सेक ए कर्ण का मान कितना दिया गया है कर्ण का मान कितना दिया गया आप देख सकते हो <sm fires> कर्ण का मान यहां पर आपका ए सी दिया गया है कर्ण का मान कितना दिया गया है ए सी तो कर्ण का मान कितना रख देंगे यहां पर हम ए सी रख देंगे बटे कोण ए की संलग्न भुजा क्या है कोण ए की से लगी हुई भुजा क्या है कोण ए की संलग्न भुजा तो आप देख सकते हो कोण ए की संलग्न भुजा कोण ए से लगी हुई भुजा आपकी ए बी है कोण ए की संलग्न भुजा क्या है आपकी ए बी है कोण ए की संलग्न भुजा क्या है आपकी कोण ए की संलग्न भुजा क्या है आपकी ए बी है ए की संलग्न भुजा हो गई आपकी ए बी ठीक है ये हमने सेक का मान निकाल लिए अब हम निकाल लेंगे टेन का मान टेन बराबर क्या होता है देखो टेन बराबर क्या होता है टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा तो टेन का उल्टा क्या होता है टेन का उल्टा होता है कोट अगर टेन बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा है तो कोट का मान निकालेंगे तो टेन का उल्टा होता है कोट कोट में संलग्न चल सल जाएगा ऊपर और सम्मुख हो जाएगी नीचे तो कोट बराबर हो जाएगा संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा ठीक है अब हम निकाल लेंगे किसका मान कोट का मान निकाल लेंगे किसका मान निकाल लेंगे कोट कोट ए कोट का मान निकालेंगे कोट बराबर क्या हो जाएगा कोण ए की संलग्न भुजा कोण ए की संलग्न भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा ठीक है कोट ए का हो जाएगा आपका कोट ए बराबर कोण ए की संलग्न भुजा क्या है कोण ए की संलग्न भुजा क्या है तो आप देख सकते हो कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए से लगी हुई भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा आपकी क्या है ए बी है कोण ए की संलग्न भुजा क्या है कोण ए की संलग्न आपकी ए बी है बटा कोण ए की भुजा क्या है कोण ए की भुजा क्या है कोण ए की भुजा तो आप देख सकते हो कोण ए के सामने वाली कोण ए की भुजा आपकी सी है क्या है आपकी बी सी ए की भुजा क्या है आपकी बी सी है ये बन गए यहाँ पर आपके सारे के सारे त्रिकोण सूत्र एक सूत्र आपका और होता है वो सूत्र क्या होता है आपका टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कोस और कोट बराबर क्या होगा कोटे बराबर क्या हो जाएगा टेन बराबर साइन बटे कोस होता है तो टेन का उल्टा होता है कोट तो कोट बराबर क्या हो जाएगा इसको उलट देंगे कोस चल जाएगा ऊपर साइन हो जाएगा नीचे कोट बराबर हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए ठीक है इस प्रकार के आपके यहां पर त्रिकोण सूत्र होते हैं ये सारे के सारे सूत्र याद करना है एक बार मैं आपको रिविजन करवा देता हूं देखिए साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण तो साइन का उल्टा होता है कोशिक कोशिक बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटे सम्मुख भुजा कोश बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण कोश का उल्टा होता है सेक तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे संलग्न भुजा ट्रेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा तो ट्रेन का उल्टा होता है कोट कोट बराबर हो जाएगा संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा आपको सारे के सारे सूत्र याद करना है और इन सारे सूत्रों को याद करने के बाद फिर आपको उसको कॉपी में लिखना है और उसको अच्छे से आपको याद करके प्रैक्टिस कर लेना है अगर आपसे ही सूत्र बनेंगे तो ही आपसे सवाल बनेंगे अन्यथा आपसे सवाल बिल्कुल भी नहीं बनने वाले धन्यवाद जय हिंद जय भारत जैसे ही आपको सूत्र याद हो जाते हैं तो फिर आप कमेंट में लिखिए कि सर हमको सूत्र याद हो चुके हैं है ना और जैसे मुझे दस बीस कमेंट आती है कि सर हमको सूत्र याद हो चुके हैं फिर मैं इसका अगला सवाल का वीडियो आपको लिए बनाऊंगा सूत्र याद होंगे तो ही आपसे सवाल बनेंगे अन्यथा नहीं बनेंगे धन्यवाद जय हिंद जय भारत